वर्ष प्रति वर्ष हर साल कम और कम और कम होता जा रहा है। उसके लिए बेटा करीना एक वर्ड सर ने इस्तेमाल किया है, सेहत के लिए भी कह सकती है, पढ़ाई के लिए भी कह सकती है, पहले अच्छा था अब खराब हो गया, अब और खराब हो गया पढ़ने में। डिटीरियोरेटिंग वर्ड बताया सर ने, डी ई टी ई रियो आर आई ओ रेट आर ए टी ई डी टी री ओ रेट। डिटीरियोरेट मीन्स खराब से और खराब हालत होना। पहले 40 नंबर आए थे हैं जी, सेकंड टर्म में क्या देखा 32 रह गए, एक नंबर से फेल हो गया, और फाइनल में 11 ही रह गए। तो ये क्या है, ये उसकी प्रोग्रेस डिटीरियोरेट हो रही है। आई समझ इसी तरह से ग्रासलैंड्स क्रॉपलैंड्स डिटीरियोरेट हो रही है। अब आ जाओ आपका बायोलॉजिकल फिशरीज क्या है। तमाम दुनिया के देश समुद्र के तटों के ऊपर बसे हुए हैं और आधी दुनिया समुद्र के ऊपर खाने के लिए निर्भर है। ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन फिश एज द फूड एंड टन्स एंड टन्स एंड टन्स ऑफ फिश इज बीइंग कॉट फ्रॉम द सी एंड ओशंस एवरी डे। डू यू अग्री विद मी, आप मेरे से सहमत हैं या नहीं? आप नहीं खाते मच्छी, मैं नहीं खाता, लेकिन विदेशी तो सारे ही मच्छी खाते हैं, उन्हें सवेरे भी दे दो शाम को भी दे दो, मांस खाते सुबह भी दे दो शाम को भी दे दो। दुनिया के कई देश घूमा है सर तुम्हारा, रोटी खाने को तरस जाता था, दाल खाने को रोटी खाने को मैं तरस जाता था, लेकिन तब की बात है मैं मांस खाता था किसी ज़माने में, अब नहीं खाता, मैं 20 साल हो गए तो मेरा काम चल जाता था। आई समझ, रोटी नहीं मिलती, दाल नहीं मिलती, ओके, सब्जी मिलेगी तो वो चपोटला मिलेगा, कभी टूटी खोर मिलेगा, कभी कैसे कैसे नाम तुमने सुने भी नहीं होंगे, राइट। थाली बन के आ जाती है, रोटी नहीं मिली, इतना सारा खाओ पेट भर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स, फिशरी अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब फिश भी बहुत कम पड़ गई है और लोग इस फिश को खाते हैं, क्यों? कहते हैं हाई प्रोटीन फूड, ताकत देता है, अच्छी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इंसान को मिलती है, एंड दे आर ऑल फीडिंग ऑन फिश। And fish is the main staple food of the foreigners, those who are residing on the coastal areas. कम से कम उन लोगों का तो है ही जो समुद्र के किनारे इलाकों पे coastal areas पे रहते हैं, ठीक है बेटा। जितने scientist हैं ना हमारे या researchers हैं ना जो research या science करते हैं, हमारे को किताबों में लिख के बताते हैं और हम उनको पढ़कर समझदार बनते हैं, समझते हैं, राइट। वो कहते हैं 1.4 मिलियन लिविंग प्रजातियां हैं इस अर्थ के ऊपर। और मैं बेटा तुम्हें यह बता दूं, तुमने एक अर्थ देखी है, मान लेना, पढ़े लिखे घर में उनसे पूछ के देख लेना, शायद बताए या ना, ये दुनिया एक नहीं अनेक हैं, ये परमात्मा की बनाई जगहें अनेक प्लैनेट्स हैं बेटा, जिसमें से आप लोगों ने और मैंने एक ही प्लैनेट पढ़ा है जिसके ऊपर हम रहते। आपने सुना है ना कभी वो एलियन देखा गया, आदमी जैसा तो आंखें ऐसी थी, कभी सुना है, देखा है, वीडियो देखी है एलियंस की, जंगल में या कहीं ऐसी जगह पाए जाते, तो वो एलियन है वो दूसरे प्लैनेट से हैं, कहीं भटकते हुए इधर पहुंच गए, राइट। उनका 100% है, किसी दिन आप डिस्कस करना, एक घंटा चाहिए मेरे को, ज़्यादा भी चाहिए होगा, कि जो नॉलेज मैंने प्राप्त की है
इतने सालों में मैं तुम्हें भी पास ऑन करूं। सब कुछ है, ये चीजें ये मत सोचना नहीं है, सब कुछ है। अब ये बताए, ये है वर्ल्ड, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े बस हमने, और उनके हमें नाम पता है, सब कुछ पता है, पर ये ही दुनिया नहीं है। ये हमारे लिए यही दुनिया है, पर इसके अलावा भी कई दुनियाएं हैं, इसके अलावा भी कई दुनियाएं हैं, और उन दुनिया के लोग, उनके रिवाज, रहन सहन, बातचीत सब अलग है हमसे। हम उनके लिए एलियन होंगे, हम उनके लिए एलियन होंगे, और प्रभ सिमरन वो हमारे लिए एलियन होंगे। ठीक है, जिस दिन कभी बताएंगे समझाएंगे आपको। तो ये रिसर्चर्स का कहना है कि 1.4 मिलियन जिंदा स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं। अब मुझे यस और नो में बता दो आदित्य, प्रजाति तो समझते हो या नहीं समझते, स्पीसीज समझते हो? हाँ, इधर समझते हो, सबनूर पढ़ते आए हो, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति है ना, ऐसे 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं। और साइंटिस्ट ये कहते हैं ये तो सिर्फ वो हैं जिनकी हमें प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल पता है, तो उनको हमने नाम दे दिया है और वो कैटालॉग हो गई, उनको किताब में हमने कैटालॉग कर दिया है। पर इसके अलावा बथेरी और प्रजातियां हैं जिनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ लग रही, उनकी ना फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लगती है ना केमिकल प्रॉपर्टी समझ लगती है, इसलिए उन प्रजातियों को हम गिन नहीं रहे हैं, उन प्रजातियों को हम अपने अर्थ पे गिन नहीं रहे हैं, बायोलॉजिस्ट कहते हैं। और ये ही लिविंग स्पीसीज लैंग्विश हैं, अननेम्ड हैं, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, यही मतलब है जो सर ने अभी समझाया। ठीक है, ये अंधकार में हैं इतनी सारी प्रजातियां, क्योंकि हमको इनके बारे में कुछ विश्लेषण पता नहीं है, हम कैटेगराइज ही नहीं कर पा रहे हैं, ना ही इनकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज और ना ही कोई केमिकल प्रॉपर्टीज ज्ञात हैं हम लोगों को, इसलिए दैट इज द रीजन व्हाई वी से द साइंटिस्ट 1.4 मिलियन स्पीसीज आर देयर विच आर नेम्ड, एंड इससे कहीं ज्यादा है जो अननेम्ड है। बी क्वाइट, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो एक चीज और, अब आपको पता चल गया अर्थ का हाल क्या है, बहुत बीमार है, एलिंग है। ठीक है, और इन चीजों को ठीक करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए, तभी और बीमार नहीं होगा प्लैनेट, आगे और बीमार नहीं होगा, थोड़ा ठीक ही होने लगा, और तो पेड़ उगाने लग जाएगी, सारी दुनिया में सब प्लांट करने लग जाएंगे, ऑक्सीजन मिलने लगी, कुछ है, कुछ हद तक सुधार नहीं आएगा क्या? But it is only if we all join hands together for the upliftment and the development of our planet Earth. It tabhi ho sakta hai. Lusaka, Zambia jao. Zambia, Africa mein ek town hai Lusaka. L-U-S-A-K-A. Lusaka ke zoo mein bahut saare janwar capture karke rakhe. Rather, I will say, wherever you go in any country, you might have been. I have been to Singapore, I have been to Thailand, I have been to Bangkok. सभी जगह जू हैं, जहाँ अच्छे उनके इलाकों के चीते, शेर, ये वो, ठीक है, मिंक, सारे उन्होंने दड़बों में केजेस के पीछे बंद करके रखे हैं, आने जाने वाले, टिकट लगा रखा होता है ना। लुसाखा में भी एक जू है, और मालूम उस जू में अगर हम फ्रिक्वेंट करें
फ्रिक्वेंट या मतलब विजिट करें। एक केस देखते हैं खुशी से, दूसरा केस देखते हैं, तीसरे केस में टाइगर देखते हैं, चौथे केस में आए चिंपैंजी देखते हैं, तीसरे केस में हम ओरंगटन देखते हैं। ओरंगटन ओरंगटन देखते हैं, किसी ने देखा है ओरंगटन? जू देखा है किसी ने? कहाँ का? अच्छा, और किसी ने? दिल्ली का? नहीं। ओरंगटन पता है क्या होता है? चिंपैंजी पता है क्या होता है? बस किसी की मिक्स ब्रीड होती है, उसके ये हाथ लंबे होते हैं, ठीक है? चिंपैंजी के छोटे होते हैं, सिर्फ इसके हाथ लंबे होते हैं, पैर छोटे होते हैं, इन हाथों से यूं पकड़ छाले मारता रहता, राइट? और उसकी आवाज मुझे बहुत पसंद है, राइट? और जिस किसी भी चिड़ियाघर में जाओ, तो मैं तो कहीं भी जाता था ओरंगटन वाले दड़बे में ना, जहाँ रखे हुए वहाँ ऐसे बड़े बड़े बड़ा दड़बा के वहाँ खड़ा हो जाता था, और उनके साथ साथ मैं भी करने लग जाता ऐसी आवाज करते हैं लगातार, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा इधर घूम ऐसे ऐसे बड़ी जल्दी जल्दी जाते हैं, समझ गए ना? स्विंगिंग एंड ब्रांचेस के ऊपर, और जो जू के अंदर उनके ना लट्ठे लैसे से ना लगाए हुए हैं, उन्होंने बनाई भी होती है स्पेस की, अपना खेलते रहे घूमते रहे, है ना? एक सलाखों के पीछे जाकर देगा इतना बड़ा केज, वहां कोई भी जानवर नहीं है। अरे भाई इसमें जानवर नहीं, आप अगर वहां जाकर देखो आप बड़े आश्चर्य में पड़ जाओगे, जब उस केज के सामने जाओगे वहां जानवर नहीं मिलेगा। तो नेचुरल है किरण, आप जब देखोगे सामने जानवर नहीं है तो थोड़ा सा दाएं और आएं और बाएं करके देखो कि कहीं उधर कोने में ना हो, शायद इस साइड ना बैठा हो, तो आप ऐसे करके कोने में जब देखते हैं मालूम वहां एक शीशा लगा हुआ है, और ऊपर एक नोटिस क्या लगा हुआ है, दी वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और जब तू देखती है ना यूं करके अपनी शक्ल तुमको नजर आती, जो भी जाता है लुसाका के जू में एंजॉय करते 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 एक नॉलेज की बात लेकर आता है, क्या कि दैट केज इज टोटली ब्लैंक एंड देयर इज नो एनिमल एग्जिस्टिंग इनसाइड, एंड अ पर्सन व्हेन फाइंड्स द एनिमल मिसिंग एंड फाइंड्स आउट कि वेयर द एनिमल इज, राइट, दाएं बाएं करके देखते देयर इज अ बिग मिरर, लॉन्गिट्यूडनल एक मिरर लगा हुआ है, उसमें आपको अपनी ही शक्ल दिखती है, और नीचे लिखा हुआ आता है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल इज विच इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ। तो देखो जाम्बिया वालों ने एक आपको अवेयरनेस देने के लिए दुनिया के लोगों को एक केज खाली रखा हुआ है, एंड इन दैट केज इट इज रिटन द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। So the world's largest wild animal कौन है? Human। समझ लगा? और इस planet को alien किसने बना दिया? ये मत है बेटा जाम्बिया वालों का, खेल खेल में ऐसे ही आप लोगों को मेरे जैसे लोगों को अवेयर करने का कि भैया खतरनाक जानवर है एक इंसान, जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसने अर्थ को डेसिमेटेड कर दिया है। आज ऐसे कगार पर खड़ी है कि कहीं पेरिश ना हो जाए, राइट? हर चीज रिसोर्सेज ले लो, आप पढ़ ही रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो आप पढ़ोगे बड़े होकर, कोई रिसोर्सेज ही ले लीजिए, सब चीज के भंडार खत्म होते जा रहे हो, खत्म हो गए,
ठीक है, तो तभी वो बात ध्यान आती कि संसार भगवान कहते मैं बनाता भी हूँ और बिगाड़ता भी मैं ही हूँ। गॉट इट? तो यही तभी सतयुग था, फिर द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, और अब हम बच्चे हैं कलयुग के। राइट? ये कलयुग चल रहा है, पाप चल रहे हैं, बढ़ेंगे। जब कलयुग का बंटाधार होगा, सारी दुनिया कर होएगी, फिर परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वाहेगुरु कहते हैं कि फिर मैं दुनिया फिर से बनाऊंगा। 40 कोस के दूरी पर एक छोटा सा दीवट मिट्टी के तेल का टमटमाता नजर आएगा, और उस दीवे में वही बंदा रह रहा होगा जो भगवान का बहुत नित्यनेमी होगा। 4 बजे उठ के गुरुद्वारे जाता है, झाड़ू देता है, पाठ कर रहा है, शाम को 4 घंटे बैठ कर भगवान में लीन रहता है। पर भगवान ये नहीं कहते कि परिवार में मत जाओ, ये नहीं कहते, आई समझ, ये नहीं कहते। ये अपने मनों से या जो तुम्हें कोई कहता है ये चीज हटा देना, तो ये नहीं कहते शादी मत करो ना, करो शादी, तो ये नहीं कहते कि जो दुनियादारी के काम है मत करो, सब करो। राइट? लेकिन परमात्मा को भी मानो, परमात्मा के लिए दीन अपना समय रखो। 2 घंटे 24 में से 2 घंटे इंसान को भगवान को देने चाहिए। चलो ये भी एक अर्थ के साथ तुमको एक नसीहत दी। राइट? एक रहा जेम्स स्पेथ, नाम बोलो जेम्स, ये था प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। वो कहता है वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकंड। इसी की बात को मैंने बड़ा करके बता दिया था पहले। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था 3600 हेक्टेयर 1 घंटे में पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो जेम्स पेथ कहता है 1 सेकंड में 1 एकड़ लैंड के ऊपर से पेड़ काटे जा रहे। ब्रांडेड कमीशन, नाम बोलो, हमारी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए मिस्टर के एल झा, ये इसके बड़े थे, मिस्टर उल्टा बोल गया मैं भी, एल के झा है, के एल झा नहीं है, एल के झा, ये थे पहले बंदे जिन्होंने फर्स्ट कमीशन पे रिपोर्ट लिखी थी। नाम याद कर लो, इसका नाम है ब्रांडेड कमीशन। क्या नाम है? और सबसे बड़ी बात, इसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, लेसन में ऐसा नहीं है, पर इसी ने आगे कहा कि क्या कहा जो तुम्हें पेपर में आएगा, आर वी गोइंग टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट एडवांसिंग डेजर्ट इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग अर्थ। क्या हम आने वाले अपने बच्चों के लिए ये जलता हुआ प्लैनेट जहाँ कहीं पेड़ों का नाम नहीं, बढ़ते हुए रेगिस्तान, जब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, रेगिस्तान ही बढ़ेंगे। राइट? क्या हम अपने बच्चों के लिए, क्या हम अपने आने वाली पोस्टैरिटी, एक वर्ड बोल देता हूँ, POSTER पोस्टर, ITY पोस्टैरिटी का मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चे। राइट? सो क्या हम आने वाले सक्सेसेस के लिए एक स्कॉच प्लेनेट जो कि डेजर्ट से भरा होगा, जिसका लैंडस्केप और क्लाइमेट बिल्कुल हमारे सूटेबल नहीं होगा और एनवायरनमेंट पर्यावरण बिल्कुल बीमार होगा, क्या तुम और हम ये चाहते हैं कि हमारे पोते पड़पोते इन जगह रहें? इसका आंसर आपको 150 वर्ड में देना, 150 में, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन,
मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। ये लड़की लिख रही, बहुत अच्छा लगा मुझे। सर को लिखना नहीं पड़ता, सर के यहाँ सर के अंदर है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे भी सर के अंदर ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जब हाईलाइट करते हो तो एग्जामिनर फुल ऑन फुल अच्छे मार्क्स देता है, अगर राइटिंग अच्छी है। ठीक है, कटिंग नहीं है, राइटिंग अच्छी है। तो क्या नाम बताया था अभी? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। उन्होंने एक किताब लिखी है बेटे, बड़ी विचारधारा वाली किताब है। कभी देखो तो पढ़ो, कभी मिल जाए बड़े होकर पढ़ो। इच्छा की बात होती है, हमारी इच्छा थी, हमने पढ़ ली कि हर अर्थ का क्या हाल है और आने वाले समय में क्या हुआ। तो वो ये सब लिखते हैं एक किताब में, और उसी किताब में जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कहते हैं आने वाला अच्छा फ्यूचर। ठीक है, क्या नाम है उस किताब का? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, रिटन बाय मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन। और इन्होंने ही कहा है अपनी किताब में, जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, कि हमारे अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम चार हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। बाकी ये सारा मैं आपको समझा चुका हूँ इसमें। अब जो हमारा ट्रांसेंडिंग कंसर्न है, हम सब का, इस जनता का, इस पृथ्वी के ऊपर एक ट्रांसेंडिंग कंसर्न है इंसान का, वो है सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट, जिंदा रहना इस प्लैनेट के ऊपर। और ये तभी हो सकता है जब ये सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हम नजिठ लें, कम से कम उनको बढ़ने ना दें, कब करें या डिक्रीज करें, कब CURB स्टॉप करें, प्रिवेंट करें, या उन चीज़ों में डिक्लाइन आए, तभी कुछ सुधार होली होली होना शुरू होगा। ठीक है बेटा, ये बात लगी समझ कि नहीं लगी? हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना है। होली, होली मीन्स पवित्र, होलिस्टिक। और इस लेसन के हिसाब से ये दो तीन वर्ड हैं आपको याद रहने चाहिए। इकोलॉजिकल, ये जरा क्या है? इकोलॉजी क्या है? चारों ओर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है। तो हमें एक होलिस्टिक व्यू, इकोलॉजिकल व्यू, और जो आज का एमर्ज हो रहा है न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया जो आ रही है सामने, वो अशर कर रही है ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईरा कहते हैं समय, है ना, एपोक, मैंने सब पढ़ाया हुआ तुम्हें, मॉडर्न ईरा कहते हैं। और मॉडर्न ईरा में आप कहीं भी क्वेश्चन लिखते हैं, करते भी आए, वो कह रहे हैं यूथ को आगे करो, कहते हैं ना। तो ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना भी यूथ है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब चीज़ों को वो करे, चाहे वो रूल है कोई, सॉरी, चाहे वो चीज़ है कोई फैक्टोरियल डेवलपमेंट की, चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, चाहे वो कोई बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है। ठीक है, चेयरमैन डू पॉन्ट, चेयरमैन DU DONT, मिस्टर EDGAR एडगर, आधा ना बोला सर ने, एस बी है एडगर एस वूलर्ड, WOOLARD। ये बेटा चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर है, ध्यान दीजिए, बात नहीं कीजिए, ये दुनिया के क्या हैं? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं जब प्रधानमंत्री थैचर थी उस समय, अब नहीं, अमेरिका की प्रधानमंत्री मिसेस मार्गरेट थैचर ने भी अपनी किताब एक लिखी, उसमें बोला है कि हम लोग यहाँ किराए पे आए हुए हैं, ये
जमीन, ये पृथ्वी हमारी नहीं है। आज हम ये हमारे बच्चों की, हम लोग उधार लिए हमसे, हमारे आने वाले जनरेशन से हमने उधार मांगी है। हम ये नहीं कह सकते मेरा महल है, मेरा ये खेत है, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते। हम सिर्फ किराए पे आए हैं, काय के लिए, इसकी देखभाल करें और आने वाली जनरेशन के लिए इसे सुरक्षित रखें। आने वाली हमारी जनता, हमारे बच्चे और उनके आगे पीढ़ियां, बच्चे जो पोस्टेरिटी वर्ड है, उनके के लिए ये रखा है। ये थे वर्ड्स मिसेस मार्गरेट थैचर के, जिसके अंदर बेटा बस लेसन खत्म हुआ, जिसके अंदर इतनी भी ईगो नहीं है। इस बात में मैं समझता हूँ इतनी भी ईगो नहीं है। कितनी बड़ी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पूरा देश ही होता है बेटा, होता है कि नहीं? पर वो कहती नहीं, हमारा कुछ नहीं है यहाँ, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। आए जरूर हैं, हम काम जरूर करें, बट वी आर गोइंग टू गिव आवर प्रोस्पैरिटी, आवर पोस्टेरिटी, एवरीथिंग, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन देयर टाइम। ना कि अपनी जनता जो आएगी, पोते पड़पोते, फ्यूचर जनरेशन, ऐसा ना करो कि कोला खत्म हो गया तो कोला भी खा खत्म कर जाओ, पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल भी खत्म कर जाओ, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या पैदल चलेंगे? क्योंकि आपको मालूम है, चूना हो या कोला, खदान के अंदर कोला हो या कोई प्लैटिनम या खनिज पदार्थ,